गाइस इस वीडियो में बताऊंगा कैसे ब्लैक एंड पिंक टोन कैसे लेकर आ सकते हो फोटो में। सो जो आपको स्क्रीन फोटोज में कलर टोन काफ़ी क्लासिक है, एकदम न्यू कलर टोन कैसे है, और अगर आप भी इस तरह की कलर टोन लेकर आना चाहते हो अपने फोटो में तो गाइस क्या करना है, सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखनी कैसे है, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा है इस वीडियो कि आप आसानी से इस तरह की फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एंड गाइस अगर गाइस यहाँ पे ना लाइट रूम की एप्लीकेशन ओपन कर ली कैसे है, अगर आपके फोन में लाइट रूम की एप्लीकेशन है तो प्ले स्टोर से लाइट रूम की ऐप को डाउन कर लीजिए। एंड ऑल फोटोज़ के अंदर मैंने एक फोटो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है वाली कैसे, तो इस फोटो को एडिट करेंगे। तो फोटो एडिट करने के लिए सिंपली आपको चाहिए सबसे पहले एक प्री सेट, तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके हम एक प्री सेट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक प्री सेट हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे ऑल फोटोज़ में। तो प्री सेट, इस प्री सेट में आपको पिंक टोन नहीं दिख रहा है, यानी पिंक कलर नहीं दिख रहा है, तो आपको पिंक कलर लेकर आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्री सेट की सेटिंग कॉपी करनी है, ठीक है। और इस प्री सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ से डाउन कर सकते हो। तो प्री सेट की सेटिंग कॉपी कर लीजिए, सबसे पहले थ्री ऑप क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड कॉपी सेटिंग टिक कर लीजिए एंड बैक पे जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली अपनी फोटो लेंगे जैसे आप एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इस फोटो को ले लिया एंड थ्री डॉट पे क्लिक किया गया मैंने एंड पेस्ट सेटिंग, लेकिन फोटो में देख सकते हो एकदम ऑरेंज कलर आ रहा है, पिंक टोन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक एंड पिंक टोन को लेकर आने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सिंपली आपको नीचे इस कलर वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, एंड यहाँ से ऊपर मिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। मिक्स पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट कलर दिख रहा है रेड, ठीक है, इसका जो ह्यू है ह्यू को एकदम माइनस करना है, ठीक है, ह्यू को माइनस सिर्फ कर लीजिए इस तरफ, ठीक है। एंड सैचुरेशन को देखना कम ज़्यादा करके, ठीक है, तो सैचुरेशन में थोड़ा सा क्या करूँगा माइनस करूँगा, ठीक है। एंड लूमिनस को कम ज़्यादा करके देखेंगे तो लूमिनस थोड़ा बढ़ा दिया। एंड उसके बाद सिंपली जाएंगे इस ऑरेंज कलर पर, ठीक है, एंड इसका ह्यू देखेंगे कम ज़्यादा करके, तो ह्यू को मैं क्या करूँगा माइनस कर लूँगा, राइट, ठीक है। एंड सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके देखेंगे तो सैचुरेशन मैंने कर लिया माइनस की तरफ गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद लूमिनस को देखेंगे कम ज़्यादा करके, लूमिनस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस अब देख सकते हो फोटो में एकदम पिंक टोन आना स्टार्ट हो चुका है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली फिर से हम इस रेड कलर पर जाएंगे, ठीक है, फिर हमको देखेंगे ह्यू का, ह्यू को हम क्या करेंगे एकदम माइनस 100 कर लेगा, ठीक है। एंड सैचुरेशन को देखेंगे कम ज़्यादा करके, तो सैचुरेशन को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे 5 कर लेगा, ठीक है, मैंने सैचुरेशन प्लस 15 कर लेगा, ठीक है। 15 में कलर काफ़ी अमेजिंग आ रहा है, ठीक है, लूमिनस रहन देंगे इतना ही। और गाइस उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे कम ज़्यादा करके, तो टेम्परेचर मैं क्या करूँगा थोड़ा सा बढ़ा दूँगा गाइस, ठीक है, तो बढ़ा दिया मैंने। एंड टिंट को थोड़ा क्या करेंगे कम ज़्यादा कर देंगे, तो टिंट मैंने क्या कर दिया, टिंट मैंने थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है, प्लस 2 कर लेगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस स्क्वायर के ऑप्शन में जाएंगे एंड विगनेट को देखेंगे, विगनेट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो ही रखा गया, ठीक है, इसको रहने देंगे इतना ही। उसके बाद यहाँ फोटो देख काफ़ी क्लासिक बन चुकी है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ब्लैक एंड पिंक का जो कलर टोन आ रहा है काफ़ी क्लासिक दिख रहा है फोटो में। और इस तरीके से आप भी अपने फोटो में ब्लैक और पिंक टोन लेकर आ सकते हो, अपनी फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट कर सकते हो। और गैस जो इसमें मैंने जो प्री सेट यूज़ कर रखा है ये वाला गैस, ठीक है, तो इसका लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउन कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद आपके फोटो में ब्लैक एंड ऑरेंज टोन आएगा, और उसके बाद जो मैंने स्टेप बताया उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आपके फोटो में भी पिंक टोन आना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद भी लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन